झारखंड में H3N2 इन्फ्लुएंजा ने दस्तक दे दी है। जमशेदपुर में राज्य का पहला मरीज भी मिला है। सांची की एक महिला H3N2 इन्फ्लुएंजा से संक्रमित मिली है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट मोड पर है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में H3N2 इन्फ्लुएंजा की दस्तक। जमशेदपुर में मिला राज्य का पहला मरीज, 68 साल की महिला H3N2 से संक्रमित। झारखंड में H3N2 इन्फ्लुएंजा ने दस्तक दे दी। जमशेदपुर में राज्य का पहला मरीज मिला है। साक्षी की 68 साल की महिला में इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उसे TMH अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। वहीं राज्य में H3N2 के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। महिला की ट्रैवल हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है। विगत दिनों में TMH से 6 सैंपल हम लोग ने भेजा था MGM माइक्रोलैब में, जिसमें से एक रोगी पॉजिटिव पाया गया है। महिला है, 68 ईयर्स ओल्ड, साक्षी की। जो अभी तक जो सूचना के अनुसार उनको आइसोलेशन वार्ड में अलग करके रखा गया है। ये तो जो रोगी मिला, बाकी लोग ये बीमारी, ये वायरस नहीं फैले उसके लिए प्रचार प्रसार सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ जूम के माध्यम से सूचना दिया गया है कि जो लक्षण है इन्फ्लुएंजा का, सर्दी जुकाम खांसी खराश बुखार, इस तरह का अगर कोई लक्षण मिले किसी रोगी में और खांसी 1.5 से 2 सप्ताह तक उतने नहीं, तो इसका जरूर जांच करा लें। तेज बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, खांसी, नाक का बहना और सांस से जुड़ी शिकायतें, कुछ बच्चों में उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं। H3N2 इन्फ्लुएंजा की शुरुआत गले में दर्द और बुखार और खांसी से होती है, फिर धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वायरस 5 से 7 दिनों तक रह सकता है। बुखार 3 दिन में ठीक हो सकता है, लेकिन खांसी लंबी चल सकती है। ये समझ सकते हैं कि यदि एक सर्दी जुकाम की तरह से होता है, ये सिम्टम ऐसी शुरुआत होती है कि सर्दी जुकाम होगा, फीवर होगा, बॉडी एक भी हो सकता है, खांसी भी हो सकती है। एल्डरली है और छोटा बच्चा है या कोई क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहा है, कोई किडनी डिजीज हो गई और अनकंट्रोल डायबिटीज है, इसको कार्डियक प्रॉब्लम है, लीवर की क्रॉनिक लीवर की डिजीज है, उनके लिए प्रॉब्लम है। और यंग जनरेशन है, खाना पीना ठीक ठाक है, लाइफ स्टाइल अच्छी है, तो एक सर्दी जुकाम की तरह होगी खत्म हो जाता है। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें, मास्क पहने, बार बार हाथ धोए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाले जगहों से दूर रहें। H3N2 इन्फ्लुएंजा खतरनाक नहीं है, इसे घबराने और डरने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर लंबे समय तक खांसी है, सांस फूल रही है और थकान की शिकायत है, तो H3N2 की जांच करानी चाहिए। खांसी ठीक हो जाएगी ये सोचकर साधारण दवा लेने से खतरा बढ़ सकता है, खासकर बच्चों को ज्यादा खतरा है। अस्थमा से पीड़ित बच्चों को ज्यादा खतरा, मोटापे, न्यूरोलॉजिकल और दिल की बीमारी से ग्रस्त, कमजोर इम्यून सिस्टम से जूझ रहे बच्चे। यह संक्रमण 8 से 10 दिनों तक परेशान कर सकता है। मौसम के बदलते मिजाज से H3N2 इन्फ्लुएंजा का खतरा बढ़ गया है, लेकिन डरे नहीं, सतर्क रहे और सावधानी बरतें। न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लाइव सत्यव्रत किरण जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत जी, झारखंड में पहला H3N2 का मरीज जमशेदपुर से आज मिला है, और जिस तरीके से लगातार हम दिखा रहे हैं कि झारखंड में और झारखंड के अलावा भी H3N2 से संक्रमित लोग दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे में झारखंड सरकार की क्या तैयारी है और इसके साइड इफेक्ट अगर पता हो तो थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल सही कहा दीपक आपने कि आधिकारिक तौर पर राज्य में पुष्टि हो चुकी है कि जो नया इन्फ्लुएंजा है H3N2, उसने दस्तक दे दी है। विशेषज्ञों की माने तो यह जो वायरस है वो पहले से अपने राज्य में मौजूद है, लेकिन अब तक इसकी जो है वो टेस्टिंग नहीं हुई थी, जांच नहीं हुई थी। लेकिन अब जब जमशेदपुर के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में इस बात की जांच हुई और यह कंफर्म हो गया कि एक महिला
जिसकी उम्र करीब 68 साल बताई जा रही है, जमशेदपुर के साक्षी की रहने वाली है, वो इन्फ्लुएंजा की पॉजिटिव पाई गई है। आपको याद होगा दीपक की जिस तरह से पूरे देश में यह जो नया इन्फ्लुएंजा है जो कि ज्यादा शक्तिशाली है और लगातार लोगों को संक्रमित कर रहा है, फिलहाल इस वायरस से लड़ने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है वो कई प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह से इस महामारी को लेकर जो है वो अलर्ट है। फिलहाल इस बीमारी से जो है इस वायरस से लड़ने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह लोगों को संक्रमित भले ही ज्यादा कर रहा है लेकिन अब तक इसमें जो मोर्टिलिटी है यानी जो मृत्यु दर है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। जमशेदपुर में जिस महिला में H3N2 के संक्रमण की पुष्टि हुई है उस महिला को फिलहाल TMH के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया है और अब उस महिला के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को जो है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है, उसके ट्रैवलिंग हिस्ट्री को जानने की कोशिश की जा रही है कि कहीं वह महिला देश के दूसरे राज्यों से तो नहीं आई है, कहीं उस महिला के साथ किसी और लोगों का जो है वो संपर्क तो नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि यह जो नया संक्रमण है जो नया इन्फ्लुएंजा है वो लगातार लोगों में जो है वो तेजी से फैल रहा है। तो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग अपने तरफ से पूरी तरह से अलर्ट है इस नए वायरस से, इन्फ्लुएंजा H3N2 से लड़ने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन जरूरत है कि आम लोग भी जागरूक हो। और अब जब राज्य में नए इन्फ्लुएंजा की जो है वो पुष्टि हो गई है, वैसे में लोगों को एहतियात बरतना होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कोरोना के संक्रमण का भी जो विस्तार है वो लगातार देश के साथ साथ अपने राज्य में भी फैलता जा रहा है। वर्तमान की अगर बात करें तो करीब 5 एक्टिव मामले कोरोना संक्रमण के अपने राज्य में है। बीते कुछ दिनों पहले 11 तारीख को जमशेदपुर के ही रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति की जो है वो मौत हो गई थी, वो कोरोना के संक्रमित पाए गए थे। तो दो तरह के वायरस से लड़ने की जरूरत है लोगों को। और मैं फिर बताता हूं दीपक कि इस पूरे खबर को चलाने का हमारा मकसद लोगों में कोई भय का वातावरण बनाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि अपने राज्य में जहां नए इन्फ्लुएंजा H3N2 का जो है वो दस्तक हो चुका है, इसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है, माइक्रोबायोलॉजी विभाग के जांच में 68 साल के जमशेदपुर की रहने वाली महिला पॉजिटिव पाई गई है, वही कोरोना का भी जो संक्रमण है वो देश के साथ साथ अपने राज्य में भी तेजी से पैर पसार रहा है, तो जरूरत है कि एक बार फिर लोग जागरूक हो और नए इन्फ्लुएंजा H3N2 और कोरोना का जो एक बार फिर राज्य में पैर जो है वो तेजी से पसार रहा है, इन सभी वायरसों से बचकर रहने की जरूरत है। शतवर्त ये बताइए कि देखिए झारखंड और झारखंड के अलावा भी पूरे देश में एक साथ दो वायरस संक्रमण का कह सकते हैं कि मामले में बढ़ोतरी हो रही है, चाहे H3N2 हो चाहे कोरोना वायरस हो, और कोरोना वायरस को लेकर ही झारखंड में 5 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अब केरला और भी अलग अलग महाराष्ट्र में भी देखने को मिले हैं, लेकिन आप स्वास्थ्य मंत्री से भी बात किए हैं, कई और मंत्री से भी इस मुद्दे पर बात किए हैं और लगातार वो बयान भी देते हैं। H3N2 पर अभी तक कोई मंत्री का आधिकारिक बयान आया है कि उनकी तैयारियां किस तरीके से हुई है? सतवर्त देखिए बिल्कुल 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 तैयारियां हैं भारत सरकार के द्वारा जो है वो अलर्ट एहतियातन रूप से जो है वो सभी राज्य को अलर्ट जारी किया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने भी जो है वो अलर्ट जारी किया था कि जितने सिविल सर्जन हैं उन्हें अलग तरह से निर्देश दिया गया था कि उनके राज्य में अगर कोई व्यक्ति जिसे लंबे समय से सर्दी खांसी बुखार सर दर्द सांस लेने में समस्या जैसी परेशानी हो रही है तो जल्द से जल्द उनका सैंपल जो है वो जांच के लिए रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग या फिर जमशेदपुर माइक्रोबायोलॉजी विभाग में भेजा जाए ताकि पता
पता चल सके कि अपने राज्य में इन्फ्लुएंजा H3N2 और कोरोना की जो है वो वर्तमान में क्या स्थिति है। मैंने आपको बताया कि जो नई महिला ने जो संक्रमण पाया गया है, इन्फ्लुएंजा का जो वायरस पाया गया है, उस महिला के साथ करीब 22 सैंपल जो है वो जमशेदपुर और आसपास के इलाके से इकट्ठा किए गए थे, उन सैंपलों को जांच के लिए भेजा गया, जिसमें 21 सैंपल के जो रिपोर्ट है वो निगेटिव पाए गए, लेकिन एक महिला जो है वो इन्फ्लुएंजा H3N2 से संक्रमित पाई गई है। प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए और इसे इन्फ्लुएंजा H3N2 से बचने के लिए जो गाइडलाइन है वो एक तरह के गाइडलाइन है, या जो संक्रमण है वो ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है, यानी कि अगर आप किसी के सामने छींकते हैं खांसते हैं तो आपके ड्रॉपलेट से वो दूसरे लोगों में जा सकता है। तो कोरोना के संक्रमण की तरह ही इससे इसके बचाव के लिए लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचना चाहिए, भीड़ भाड़ इलाकों में अगर आप जा रहे हैं तो मास्क का जरूर प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइज जो है वो समय समय पर करते रहें। तो जो भी गाइडलाइन कोरोना के संक्रमण काल के दौरान बताए गए थे, पिछले 4 साल से लोग कोरोना के संक्रमण से लड़ रहे हैं, कई लोग जो है वो अभी भी आपको सड़कों पर मास्क लगाकर जो है वो बाजारों में दिखेंगे, तो लोग जागरूक हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीते कुछ दिनों पहले जब कोरोना का संक्रमण कम हुआ था या फिर जो नया इन्फ्लुएंजा H3N2 है जब उसकी दस्तक देश में नहीं हुई थी तो लोग थोड़े लापरवाह थे, लेकिन आप बड़े शहरों को अगर देखेंगे, केरल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो इन राज्यों में लगातार जो वहां के लोग हैं वो जागरूकता का परिचय देते हुए जो भी गाइडलाइन बताए गए हैं उसका निर्वाह कर रहे हैं। तो जरूरी सतवर्त की जो सरकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, उस पर लोगों को अब अमल करने की जरूरत है और जो अधिकारी हैं उनको भी अमल करने की जरूरत है। पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया सतवर्त। और वही इस खबर पर हमारे साथ जमशेदपुर से डॉक्टर असद जी जुड़े हुए हैं। असद जी, सबसे पहले तो न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। मेरा पहला आपसे सवाल है कि H3N2 वायरस एक बार फिर और H3N2 के साथ साथ कोरोना वायरस भी एक बार फिर झारखंड में दस्तक दे दी है और जमशेदपुर में आज पहला मरीज भी सामने आया है, तो इसके बचाव क्या है और इसके साइड इफेक्ट क्या है और इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताएं। असद जी, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है कि दो तरह से है कि एक इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी, तो इन्फ्लुएंजा ए में ही ये सारे कैटेगरी में आते हैं कि H1N1 हो गया, H3N2 हो गया और भी H5 करके है, मतलब इस तरह से करके काफ़ी वायरस है। और ये वायरस ज़्यादातर जो होता है कि बर्ड्स में, पिग्स में, ह्यूमंस में, उसमें इंटर करते हैं में से ये मॉडिफाई होके अपने फॉर्म चेंज करते रहते हैं। तो H3N2 भी एक इन्फ्लुएंजा वायरस है और इसके शुरुआत जो होती है, जैसे कोविड का हो गया वो भी एक तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस की कैटेगरी में आता है, और शुरुआत में जो साइन सिम्टम जो होते हैं कि सर्दी होना, जुकाम होना, फीवर होना, खांसी होना, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है कि कोई भी फ्लू वायरस जो होता है ये चीज़ मिलता ही है। अब इसके आगे जब ये और जैसे एल्डरली में हमारे जो वल्नरेबल ग्रुप होता है कि एल्डरली जो ओल्ड एज के लोग हैं, बच्चे हैं और कोई क्रॉनिक डिजीज वगैरह से सफ़र कर रहे हैं, ये उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होगा, सर्दी खांसी रहेगा, और अगर इसको टाइम से उसके लिए परहेज ना किया जाए, रेस्ट ना किया जाए, ट्रीटमेंट प्रॉपर ना लिया जाए, तो ये आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट कर सकता है, उस केस में फिर निमोनिया होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जहाँ तक इसका बचाव का है, तो आप एक सिंपल से कि जो कोविड के प्रोटोकॉल थे कि आप भीड़ भाड़ की जगह से बचें, अगर मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा मेंटेन रखें, अगर ये चीज़ अभी भी हम अपने हैबिट में रखेंगे तो इन्फ्लुएंजा
टाइप के जितने भी वायरस है वो इन्फेक्ट हमें नहीं करेगा। ख़ास तौर से ऐसे लोग अपने आप को आइसोलेट करें और भीड़ भाड़ के एरिया में न जाएं, जिनको किसी भी तरह की सर्दी खांसी जुकाम या फीवर वगैरह की हो रही हो। मास्क ये लोग जरूर पहने, कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, कि जब मास्क पहनेंगे तो इनकी वजह से ये वायरस हवा में ट्रांसमिट जल्दी नहीं होगा, तो इससे ये बचेंगे लोग। और जहाँ तक H3N2 है कि हाँ, ये मतलब जमशेदपुर में इस साल ये पहला केस मिला हुआ है और एडमिट है, ये हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इससे पहले भी प्रीवियस ईयर में भी, अगर हम 2002 में जाएं, 2021 में, 2022 में, तो हर साल ये एक दो केस मिलते रहे हैं। और जिस तरह से है कि अगर हम अपने आप को बचा के नहीं रखेंगे तो ये कभी भी एक मतलब आउटब्रेक हो सकता है, एक बड़ी पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर सकता है। बिल्कुल सही कहा सर कि इससे बचाव जरूरी है, लेकिन सवाल यह है सर कि ग्रामीण क्षेत्र में बचाव ही जरूरी है। लेकिन सवाल यह है सर, तरीके से कोरोना वायरस के समय भी हमने देखा कि हमारे देश में मजदूर वर्ग बहुत बड़ी संख्या में है और उनको हर रोज रोजी पर ऐसे में उनके सामने ये भी चुनौतियां हैं कि वो घर में कैसे बंद रहे या सामाजिक दूरी कैसे बनाए। लेकिन इसमें भी वही है कि बचाव के लिए जो कोरोना के समय था वही चीज अब H3N2 में है, तो ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, शहर के लोगों के लिए। कोविड में था कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, ठीक है, कि बहुत ज्यादा। इसमें है कि अगर किसी को है तो एटलीस्ट मास्क जरूर पहने, ठीक है, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अगर किसी को भी सर्दी खांसी जितना ये कि किसी को भी अगर सर्दी होती है, खांसी होती है, जुकाम होता है, तो ये ज़्यादातर 2 से 3 दिनों तक ही ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। और ये कोई भी हो, चाहे मजदूर वर्ग हो या कोई भी ग्रुप का हो, अगर उसको फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं, मतलब फीवर हो गया, नज़ला जुकाम बुखार हो गया, तो वो 2 दिन 3 दिन काम से अवॉइड करना ही है। और ज़रूरत है कि अगर वो 2 दिन 3 दिन काम से अपने आप को अवॉइड करेंगे तो जल्दी ठीक हो गए वो, क्योंकि बॉडी में हमारे सिस्टम है सब, तो वो जल्दी से ठीक कर देता है। अगर हम उसको भी न करें तो ये छोटी सी भी बीमारी बड़ी बन सकती है। तो इसमें दूसरी चीज़, अगर हम कोविड के ही सिनेरियो को लेकर चले तो कोविड ज़्यादातर सिटी एरिया में ही ज़्यादा फैला है, कि सिटी में ही लोग इतनी चीज़ें को फॉलो नहीं करते, कि मार्केट प्लेस होता है, मार्केट प्लेस भीड़ में लोग जाते हैं, वो इतना कंपेरेटिव टू ग्रामीण एरिया में। अगर हम कोविड को ही पूरा देखना चाहिए तो जितना केसेस हमें शहरों में मिला है उसके कंपेरिजन में ग्रामीण एरिया में बहुत कम केसेस मिले हैं, और वो भी ग्रामीण में जो केसेस मिले ज़्यादातर या तो वो किसी सिटी में रह के आ रहे हैं या माइग्रेट होके आ रहे हैं, उनकी में ज़्यादा इन्फेक्ट किया है, क्योंकि ग्रामीण ने ज़्यादा अच्छे से फॉलो किया था कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का सिटी के कंपेरिजन में। तो इतना है कि हाँ, बस इतना ही है कि अगर किसी को होता है तो अपना वो थोड़ा सा है कि अपना मास्क जरूर पहन के निकले। मास्क पहनेंगे तो अपने खासी 50% से ज़्यादा, तो यह है कि पब्लिक है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि फिलहाल के लिए मास्क जरूर पहने, अपना जैसे घर पर आए अच्छे से हाथ धुले, पैर धुले, मुंह धुले अच्छे से, आँखों को टच कम करें, यही चीज़ें फॉलो करनी है। बाकी अगर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही मेडिसिन ले लो। डॉक्टर साहब, प्रिस्क्राइब नहीं करें। एक और सवाल है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, खास करके क्योंकि भारत में अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तो अगर कि कोई व्यक्ति H3N2 से संक्रमित होता है तो उनके लिए एट अ टाइम एक तो ये है कि डॉक्टर के पास जाइए और फिर चेकअप करवाइए और चीज़ें निकलेगी तो फिर दवाई दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई घरेलू कोई दवाई हो, घरेलू कोई नुस्खा हो तो वो थोड़ा सा बताएं ताकि दर्शकों को भी एक कह सकते हैं कि फ़ायदा हो। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें की, कि कोई भी वायरस डिजीज़ होती है इन्फ्लुएंजा लाइक, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि वाटर इनटेक, पानी खूब पीना चाहिए। नंबर वन, पानी जितना पियेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। दूसरी जैसे
इम्यूनिटी बूस्टर से घर पे काढ़ा वगैरह बना के लोग पीते हैं, ठीक है, इम्यून बूस्टर की तुलसी के पत्ता डाल के पी रहे हैं, बाकी और भी घरेलू नुस्खे जो होते हैं लोग वो करके पी रहे कि अपने इम्यून सिस्टम को बेटर रखें। तीसरी चीज़ है कि स्टीमिंग, जो हम भाप लेते हैं वो भी लेते स्टीमिंग लेते रहें, गर्म पानी जो गर्म पानी का सेवन करें कि सुबह के टाइम में हल्का गुनगुना पानी पिए, और दिन में तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो मुश्किल है पीना, पर सुबह के टाइम में खास करके हल्का गुनगुना पानी उतरे और गार्गलिंग करें ये लोग। इतनी चीज़ें करनी है, उसी से 2 से 3 दिन में कोई भी फ्लू का वायरस होता है या इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। अगर आप हेल्दी हैं, यंग हैं, तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, और हाँ आप बुजुर्ग हैं, काफ़ी है आपकी, पहले से ही आप बीमार हैं, तो उनके लिए तो है कि वो बेटर है कि कभी भी हो तो अपने आप को आइसोलेट करके उनको तो रखना ही होगा, क्योंकि अगर प्रॉब्लम होगी तो उन्हीं के साथ होगी, यंग जनरेशन के साथ किसी को नहीं होगी। और दूसरे जैसे प्रोटोकॉल के हिसाब से है कि जो कैटेगरी होती है कि ABC 3 कैटेगरी होती है, तो ए और बी कैटेगरी में है, ये सिंपल है कि अगर ज़रूरत हो तो मेडिसिन लें और कुछ नहीं करना। सी कैटेगरी में पहुंचे कि हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, एडमिट हो गया, तो वहां पर है कि उनका सैंपल लिया जाए और उनकी जांच की जाए। ए और बी कैटेगरी में अभी ICMR की तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है कि ए और बी ग्रुप के सैंपल लिया जाए, ठीक है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने कि जो घरेलू नुस्खे हैं उसमें भी काढ़ा और तुलसी और इन सब चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ खाने पीने को कह सकते हैं कि जिसका इफेक्ट होता है, जिससे नुकसान पहुंच सकता है इस वायरस को लिए लेकर, तो वो चीज़ें भी अगर आप बताने की कोशिश करें तो हमारे दर्शकों को फ़ायदा होगा कि इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। ठीक है, वायरस से खाने पीने से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, अगर हाँ ये है कि एक हमारे अपनी बॉडी को हमारे अपनी बीमारी से लड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, तो जिसके लिए कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा मतलब मीट हो गया, फिश हो गया, इससे कि मतलब रिच फूड को अवॉइड करें। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती जरा से तो रिच फूड को अवॉइड करें, रिच फूड को अवॉइड करेंगे, एल्कोहल इनटेक हो गया कम से कम रखें इस चीज़ को, अगर इन सब चीज़ों को कम रखेंगे तो बॉडी का इम्यून सिस्टम जितना अच्छा रहेगा। और हमारे साथ हमारे साथ रिम्स के डॉक्टर डॉक्टर विकास जी जुड़े हुए हैं। पहले तो इनका न्यूज 11 भारत में स्वागत है सर, और मेरा पहला आपसे सवाल है कि H3N2 वायरस एक बार फिर झारखंड में दस्तक दे दिया है, तो अभी डॉक्टर असद साहब ने भी बहुत सारी चीज़ें बात बताई कि किस तरीके से लोगों को उनसे बचना चाहिए, लेकिन आप रिम्स से हैं और वो सरकारी अस्पताल, तो मेरा वही सवाल है कि रिम्स में क्या तैयारियां हैं और इसको लेकर रिम्स के प्रबंधन के तरफ से किन किन चीज़ों को किन चीज़ों की तैयारियां की गई है और लोगों को इनसे किस तरीके से बचाया जा सकता है। सर विकास सर वेलकम। एक तो धन्यवाद देना चाहूँगा मैं सबसे पहले इनवाइट करने के लिए आप लोगों को, साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह का जो वायरसेस जो हैं उसके लिए रिम्स हमेशा तैयार रहता है, जबकि कोरोना को भी हम लोगों ने संभाला था और चूंकि उसको लेके हम लोग प्रिपेयर थे, तो अब हम लोग एक तरीके से हमेशा प्रिपेयर रहते हैं कि किसी भी तरीके की ऐसी वायरस अगर हम पे वापस से आता है तो हम लोग उसके निपटने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमें और भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जो ये H3N2 वायरस है एक टाइप ए इन्फ्लुएंजा का सब टाइप है और ये आउटब्रेक करा सकता है, और एक खासकर जैसा हम जानते हैं कि ड्रॉपलेट से इन्फेक्ट होकर बाकी लोगों तक पहुंचता है, तो अगर हम बेहतर होगा कि मास्क पहने और जो हम पॉलिट्री वगैरह से जो इसको फैलने के चांसेस रहता है उससे थोड़ी दूरी बना के रखें, तो ऐसे कंडीशन में हम बच सकते हैं। बिल्कुल, ये बात डॉक्टर असद भी कह रहे थे कि सामाजिक दूरी और मास्क है जरूरी करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोरोना का ही समावेश ये भी H3N2 है। लेकिन सर बड़ा सवाल ये है कि ये छींकने से भी फैलता है,
हालांकि कोरोना वायरस में ऐसा नहीं था, वहां पे छूने से फैल रहा था, लेकिन इसमें छींकने से फैलता है और उसके ऊपर फिर मास्क लगाने से बचा जा सकता है। तो ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो रोजमर्रा कह सकते हैं मजदूर वर्ग के लोग हैं, तो वो लोग कैसे बच सकते हैं, क्योंकि उनको हर रोज काम करना है और वो सामाजिक दूरी और फिर मास्क वाला जो सिस्टम है वो शायद ना कर पाए। वो देखिए, पहले तो मैं बात क्लियर कर दूं कि जो कोरोना वायरस था वो भी छींकने से और उससे फैलता था, क्योंकि जो हमारे ड्रॉपलेट्स होता है, जब भी हम छींकते हैं तो तकरीबन 6 फुट की दूरी तक हमारे से जो ड्रॉपलेट माउथ से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, या जिसे आप साधारण भाषा में कह सकते हैं, हमारे लार के जो कुछ पार्ट्स जो है निकल कर तकरीबन 6 फीट की दूरी तक जाते हैं, इससे कोरोना भी फैलता है या कोई भी वायरस फैलने का संक्रमण लगातार बना रहता है। तो इसका सबसे बेहतर उपाय यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का उपयोग करें, और चूंकि यह वायरस मेनली जो पशुपालन वाले जो मुर्गियाँ पालन करते हैं, जो पोल्ट्री हैं, उनसे फैलने के चांसेज हमारे तरफ थे बीच में, जैसे ब्लड फ्लू के भी जो वायरस थे उसका भी संक्रमण इसी तरीके से फैलता था कि पॉलिट्री से हम लोगों में फैला, फिर हम लोग का ड्रॉपलेट में। तो आप देखेंगे एक तरीके से आइधर ब्लड फ्लू हो या ए वायरस हो या आप कोरोना वायरस हो, इनका संक्रमण लगभग आप करें तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। तो हम चाहते हैं कि आप मास्क पहनकर लगातार एक डिस्टेंस बना कर रहे हैं, ये तो एक बहुत ही साधारण और बहुत ही सार्थक उपाय है। एक और इसमें बात कही गई है कि ठंड लगने से भी ये H3N2 वायरस का संक्रमण देखा जाए। नहीं, ठंड लगने से बोल सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दें कि अगर आप बिल्कुल साइंटिफिक वे में जाएंगे तो इस वायरस जो है टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस का जो है सब टाइप है, इसका 2 पीक होते हैं। एक पीक मुझे नवंबर वाले वीक में मिलते हैं और एक दूसरी वीक जो मार्च से लेकर सितंबर वाला जो समय है उसमें मिलता है, यानी ये डुअल समय में है। तो आप एक तरफ कहें तो नवंबर वाले समय में भी इसका संक्रमण रेट काफ़ी हाई होता है, और दूसरी तरफ ये मार्च से लेकर जून जुलाई अगस्त वाला जो मौसम रहता है उसमें भी इसका संक्रमण के जो चांसेस रहते हैं काफ़ी तेज रहते हैं। डॉक्टर असद जी, जैसा कि विकास जी बता रहे थे कि ये मौसम की मार से भी ये वायरस फैल रहा है इसमें, तो वायरल डिजीज जितने भी होते हैं, जब भी ठंड से गर्मी में जाए या गर्मी से ठंड में जाए, ये जो पीरियड होता है, कभी सीजन हमारा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, इस वक्त बीते कि ये वायरस को फिर अपने आप को डेवलप करने का भी मौका अच्छे से मिलता है, और हमारी ह्यूमन जो बॉडी होती है, जो हमारी बॉडी होती है, उसका भी जो इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा सा इस चेंज की वजह से थोड़ा डिक्रीज होता है। तो जितने भी वायरस होते हैं इनको एक मौका मिल जाता है हमें अटैक करने पर हमारे ऊपर। तो ये तो कि जितना भी आप देखेंगे, जब भी अक्टूबर नवंबर में गए तो सर्दी जुकाम बहुत होता है, उसी तरह से अब जब ये फरवरी में आते हैं, फरवरी मार्च वगैरह में आते हैं, तो यहाँ पर भी जरा सभी की मौसम का फ्लक्चुएशन बहुत होता है। इस फ्लक्चुएशन का इफेक्ट क्या होता है, हम वो प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते हैं अपनी ड्रेस को लेकर, अपने खान पीन को लेकर, अपने रहन सहन को लेकर, तो जिससे क्या होता है कि हम बहुत जल्दी से बीमार पड़ते हैं। तो ये मौसम का इफेक्ट तो डेफिनेटली हर वायरल डिजीज के साथ होता है, जितने भी वायरल डिजीज होते हैं कि ये उनके साथ होता है। और दूसरी चीज़ कि जब भी जो ठंडे गर्म का जो मौसम होता है तो उसमें हम इसी वजह से ज़्यादा बीमार पड़ते हैं कि ये इफेक्ट होता है, और वायरस ज़्यादातर होता है कि कोल्ड वेदर जो टेम्परेचर में ज़्यादा इफेक्टिव होता है और ज़्यादा अटैक करता है। और विकास जी से मेरा सवाल है कि H3N2 तो फैल चुका है और एक मरीज जमशेदपुर में भी पाया गया है, तो इससे बचने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, जो मेडिसिन को लेकर का दवाई को लेकर किन किन चीजों का प्रयोग किया जाना चाहिए, इनके लिए कौन कौन सी दवाइयां हैं, क्योंकि ठंड में ठंड का, बुखार में बुखार का, और फिर गर्मी में गर्मी का, किस तरीके से इसको बचाया जा सकता है। देखिए, H3N2 फैलने के मैं इसके जो अगर आप बिल्कुल स्टडी में जाओगे कि ये कैसे फैलता है और क्यों हम लोग को प्रभावित करता है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे 3 सब ग्रुप जो हैं, जैसे 5 साल या 6 साल से कम वाले बच्चे, दूसरे 55 या 60 साल से ऊपर वाले जो बुजुर्ग हो गए, प्रेग्नेंट फीमेल्स हो गए हैं, या चौथी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि जिनका कोमोर्बिडिटी हो, या उनको शुगर की बीमारी हो, लीवर की बीमारी हो, या किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हो, ऐसे 4 लोगों को खतरा ज़्यादा रहता है।
क्योंकि उनकी बॉडी थोड़ी वीक होती है, इस कारण से ये वायरस फैलने का खतरा थोड़ा ज़्यादा रहता है। बाकी जो बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति हैं उनमें चांसेस थोड़ा कम रहता है, लेकिन फिर भी दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं कि अगर कभी भी आप देखोगे तो इन्फ्लुएंजा इनकी जो वैक्सीन्स है हमारे कंट्री में थोड़ी कम है, एक तो कि लो वैक्सीन रेट, दूसरी एक और सबसे बड़ी बात है पॉल्यूशन। अभी पॉल्यूशन वाले दौर में हमारे जो लंग्स से फैलने वाले इन्फेक्शंस या वायरस की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो अगर आप बिल्कुल इस तरीके से जाओ तो इन्हें रोकने के उपाय में कोई दवाओं से असर ज़्यादा, उस दवाओं से ज़्यादा असर हमारे बॉडी की इम्यूनिटी की होती है। अगर हम अपने दिनचर्या को ठीक रखें, अच्छी नींद लें, अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज व्यायाम करते रहें और अपने को फिट रखें तो इनके चांसेस ज़्यादा हैं। दवाइयों की बात तब होती है जब ये वायरस हमारे ऊपर आ जाए, तब इनके बाद हम दवाइयों के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल सही कहा सर कि इससे बचना जरूरी है और जो दिनचर्या है उसको उसमें सुधार करने की जरूरत है। लेकिन लेकिन सर ये है यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल कि किस उम्र के लोगों को सबसे अधिक H3N2 से बचने की जरूरत है? मैंने अभी बताया आपको कि बच्चों को 5 से 6 साल से कम के बच्चों को ऊपर, 55 से 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग को, साथ ही साथ प्रेग्नेंट फीमेल को और वैसे व्यक्ति जिन्हें कोई भी बीमारी है या कोई भी कोमोर्बिडिटी है उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। मतलब कोई भी जो भी बीमारी से संक्रमण है चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो उनको बचना हाँ चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का डायबिटीज हो या किसी व्यक्ति का लीवर खराब हो या किसी व्यक्ति को किडनी की दवा चल रही हो, ऐसे व्यक्ति की जो इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी कमजोर हो जाती है और ऐसे ही कमजोर होस्ट को ये वायरस खोज के सबसे पहले पकड़ते हैं और उन पर असर दिखाते हैं। मीका जी एक और सवाल है कि एंटीबायोटिक दवाई को लेकर भी तमाम डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इन चीजों को खाना चाहिए H3N2 इन्फ्लुएंजा में, तो क्या ये मतलब सटीक है या नहीं खाना चाहिए? देखिए एक अभी ये सारी बातें जब जब नए आउटब्रेक्स आते हैं, वायरसेस की नई बातें आती हैं तो हम लोग लगातार इस पे लोग रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन अगर वायरस जो है वो एंटीबायोटिक से नहीं, एंटीबायोटिक मेनली बैक्टीरिया को किल करता है और बैक्टीरियल डिजीज को होता है। हाँ एंटीबायोटिक हम लोग वायरल फीवर में भी देते हैं, उसका रीज़न ये होता कि जैसे ही वायरस आपकी बॉडी को कमजोर बनाएगा उसी दौरान में कुछ और बैक्टीरिया होते हैं और कुछ जीवाणु होते हैं जो आपके शरीर में संक्रमण करना शुरू कर देते हैं, तो उसको रोकने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। मेन वायरस वाले डिजीज में एंटीबायोटिक का रोल थोड़ा कम है। डॉक्टर असद जी जैसा कि विकास जी कह रहे थे कि नींद और एक्सरसाइज और फिर दिनचर्या को सुधारना चाहिए, और उन्होंने एक विशेष बात इसमें ये बताई कि प्रदूषण को लेकर भी, प्रदूषण से भी ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो फैल रहा है। असद जी मैं बोला ना कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बेटर करना है और इस इम्यूनिटी को बेटर करने के लिए तो एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। हम बॉडी को अपनी जितना फिट रखेंगे तो इस वायरस से हम उतना ही ज्यादा, जो इसके अटैक से उतना ही ज्यादा बचेंगे, और अगर अटैक होता भी है तो कोई बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें अपनी तो दिनचर्या को तो मेंटेन करना ही है कि एक्सरसाइज प्रॉपर करना है, लोगों के फूड इनटेक अच्छा रखना है और ये चीज़ें, और दूसरा जो बताया कि क्लाइमेट जो इसका पॉल्यूशन से, तो देखिए पॉल्यूशन से डेफिनेटली आज के टाइम पे एक पॉल्यूशन बहुत बड़ा फैक्टर है हर तरह की बीमारियों के लिए, ना कि सिर्फ एक वायरस के लिए नहीं, हर तरह की बीमारी के लिए, कि पॉल्यूशन जो होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, ये हमारे के बॉडी के जो लड़ने की जो क्षमता होती है बीमारियों से वो उसको डिफीट कर देता है। तो जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो बाहर से फिर वायरस, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन, जितनी भी चीज़ें होती हैं या वेक्टर बॉर्न डिजीज जितनी भी होती है, इसके हम बोलने में भी ज़्यादा हो जाते हैं और जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो ये हमें पॉल्यूशन एक आज के टाइम पर धीरे धीरे पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए। तो इसके डेफिनेट हमें हर शख्स को, हर कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी को हमें इसके पार्टिसिपेट करना होगा कि हम जितना हो सके अपने एनवायरनमेंट को अच्छा करने की। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने कि हमें इनसे
सामूहिक रूप से लड़ना है और सामूहिक रूप से बचना है। और हमने देखा है कि किस तरीके से कोरोना वायरस के समय भी जो तमाम डॉक्टर्स हैं देश भर के, उन लोगों ने कितनी, मतलब कह सकते हैं कि ऐसे चुनौतीपूर्ण स्थिति में वो हॉस्पिटल में रह के और लोगों की जिंदगियां बचाई है, जब हम लोग जो आम लोग थे वो घरों में बंद थे, उस दौरान आप लोग किस तरीके से संघर्ष करके और एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में आप लोगों ने इन चुनौतियों से लड़ा है। तो सर आपसे एक ही चीज ये कहेंगे, ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर्स जो हैं, ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस हैं, आप अगर उनसे भी अपील करें, जो तमाम डॉक्टर्स हैं, क्योंकि जगह जगह पे देखा जाता है कि वो कई कुछ मांगों को लेकर कर रहे हैं ऐसी स्थितियों में, तो उनसे भी अगर हो सके उनसे अपील करें तो दर्शकों को भी थोड़ा सा वो लगेगा। असद जी, H3N2 से रिलेटेड हमें जो जमशेदपुर में हमारा कि जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इन सारे हॉस्पिटल से हम लोगों ने कांटेक्ट किया है और इन सबको बकायदा गाइडलाइन दे दिया गया है कि इस तरह का कोई भी हो, कोई भी सिम्टम के लोग आए तो जितना हो सके इनका सैंपल कलेक्शन करें। इवन कि हमारे जो मेन मेन हॉस्पिटल है, TMH हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, MGM कॉलेज का हॉस्पिटल हो गया, इन सब लोगों ने बकायदा इसकी सैंपलिंग की शुरुआत कर दी है और पूरा केयर करते हैं और उनको गाइड भी करते हैं कि आप लोग क्या करना है। तो सारे लोग इसके लिए तैयार हो चुके हैं और विकास जी आपसे भी समय कम है, लेकिन आपसे संक्षेप में चाहेंगे कि आप भी कुछ कहें, क्योंकि इन्फ्लुएंजा लगातार बढ़ते जा रही है और इसके मरीज भी अब सामने आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हाल ही में कोरोना के महामारी से हम लोगों ने वापस हम लोग लौट कर आए हैं, साथ ही साथ एक नए वायरस का खतरा फिर हमारे माथे पर आ चुका है। दूसरी तरफ कोरोना की एक और नई वैरायटी भी आई थी अभी कुछ दिन पहले ही, तो हमारा दर्शकों से सिर्फ अनुरोध है कि हम आपको किसी वायरस के बारे में बताकर डराना नहीं चाहते हैं, हम बस हमारा मकसद है कि हम आपको सतर्क करना चाहते हैं। आप सतर्क रहें और अगर आप सतर्क रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते रहेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी वायरस, कैसा भी वायरस हो, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे कम्युनिटी को नहीं पहुँचने वाली है, तो आप सतर्क रहें। बिल्कुल सही कहा सर कि सतर्क रहना जरूरी है, और जब आप जैसे डॉक्टर हों जो कोरोना जैसे महामारी में भी आप चुनौतियों से लड़ रहे थे और इतनी भयानक महामारी में आप लोग लड़े और हम जैसे लोगों को दूसरा जीवनदान कह सकते हैं कि दिए हैं, तो हमें और हमारे दर्शकों को डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर आप इस खास कार्यक्रम में जुड़े। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।